डिस्कशन कर लेते हैं, दैट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो हम चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स के ऊपर, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग, ये टेंजिबल नॉन करंट एसेट है, लेकिन लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती। इसी तरह प्लांट एंड मशीनरी और अदर टेंजिबल एसेट्स सच एज फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कंप्यूटर्स, लॉरीज, तो ये तमाम एसेट्स जो हैं वो क्या होते हैं, डेप्रिशिएट होते हैं। अभी डेप्रिशिएट क्यों होते हैं? क्योंकि एसेट्स की एक यूजफुल लाइफ होती है और उस यूजफुल लाइफ तक एसेट्स हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स दे रहे होते हैं, राइट। तो वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स जब हम अवेल करते हैं तो वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स ग्रेजुअली क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं एसेट्स की वैल्यू को। और ये रिडक्शन किस फॉर्म में आ रही होती है, आपके एसेट्स में वेयर एंड टीयर आ रहा होता है, और उस वेयर एंड टीयर को हम नाम दे देते हैं किसका, डेप्रिसिएशन। ये देसी डेफिनेशन है ना, वेयर एंड टीयर जो एसेट में आ रहा होता है उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन अगर आप मॉडर्न डेफिनेशन उठा के देखेंगे, सो डेप्रिसिएशन को मैं अगर डिफाइन करना चाहूं तो डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ द डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट। कौन सा एसेट, टेंजिबल एसेट, ओवर इट्स एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। अब देखें इस डेफिनेशन को हम जो है वो एक्सप्लोर करते हैं। तो हमारे पास एक चीज तो ये हो गई सिस्टमेटिक एलोकेशन, ठीक है, दूसरी चीज हो गई डेप्रिशिएबल अमाउंट, और तीसरी चीज हो गई एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ, राइट। अच्छा, डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होता है? डेप्रिशिएबल अमाउंट वो अमाउंट होता है जिसको हम ओवर अ यूजफुल लाइफ डेप्रिशिएट करते हैं, और डेप्रिशिएबल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हम एसेट की कॉस्ट माइनस उसकी रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू को कंसिडर करते हैं। स्क्रैप वैल्यू का एक ऑल्टरनेटिव नाम रेजिडुअल वैल्यू भी होता है और सेल्वेज वैल्यू भी होता है, सही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एसेट खरीदा 900,000 का, ठीक है, और 40,000 में जब मैं उसे यूज कर लूंगा, जब उसकी लाइफ एक्सपायर हो जाएगी, तो रिमेनिंग में 40,000 में उसे बेच दूंगा, तो मेरा डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना हुआ, 8,60,000। नाउ मेरी जो टोटल डेप्रिसिएशन होगी ना, दिस इज व्हाट टोटल डेप्रिसिएशन, ये पर एनम डेप्रिसिएशन नहीं है, ये क्या है, ये है टोटल डेप्रिसिएशन जो मैं उसकी यूजफुल लाइफ पे चार्ज करूंगा, सही है। अच्छा, अब ये टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज तो होगा ओवर द लाइफ, लाइफ का मतलब है लाइफ एसेट्स के इकोनॉमिक बेनिफिट। लाइफ क्या होती है, द पीरियड ओवर विच एसेट्स प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट। अब देखो जो इकोनॉमिक बेनिफिट एसेट्स के मिल रहे होते हैं वो नेचर ऑफ एसेट पे डिपेंड करते हैं। कुछ एसेट्स के इकोनॉमिक बेनिफिट जल्दी जल्दी आ रहे होते हैं और कुछ एसेट्स के इकोनॉमिक बेनिफिट ग्रेजुअली आ रहे होते हैं, ठीक है। तो अब हमें डेप्रिसिएशन हर साल कितना चार्ज करना चाहिए, ये किस पे डिपेंड करता है कि हम उसको हर साल एक सिस्टमेटिक वे में एलोकेट करें, और वो सिस्टमेटिक एलोकेशन जो है वो रेफर करती है मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन।
कि हमारा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होना चाहिए। दुनिया में कई मेथड्स इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जर्नली जो कॉमन मेथड्स इस्तेमाल होते हैं उसमें एक मशहूर मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, और दूसरा है जिसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। ठीक है, ज्यादा कॉमन ये मेथड है। एक और अल्टरनेटिव मेथड भी इस्तेमाल होता है, मशीन आवर मेथड, समटाइम्स आउटपुट मेथड भी कहते हैं इसको। और भी बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो सवाल आते हैं वो स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस के ऊपर। अच्छा, ये हमें ये बताएगा कि हर साल एसेट का डेप्रिसिएशन कितना होना चाहिए पर एनम। अब ये हम नेचर ऑफ एसेट से जज करेंगे, कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं है। नेचर ऑफ एसेट्स और उसके इकोनॉमिक बेनिफिट से डिसाइड करेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिसिएट होना चाहिए और किसी और मेथड पे डेप्रिसिएट होना चाहिए। ठीक है, और ये हमारा एस्टीमेट है। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है? इट्स एन एस्टीमेट। तो अगर एस्टीमेशन बाद में चेंज हो जाएगा तो हम वो एस्टीमेशन चेंज करके मेथड को चेंज कर सकते हैं। ये मतलब नहीं है कि एक दफा स्ट्रेट लाइन ऑप्ट कर लिया तो अब स्ट्रेट लाइन यूज नहीं हो सकता, स्ट्रेट लाइन कैन बी यूज्ड एज वेल। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, हर साल डेप्रिसिएशन कितना होगा सेम, और उसको निकालने का एक फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन पर एनम। स्ट्रेट लाइन में फॉर्मूला भी लगता है, परसेंटेज भी लगती है। अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस करेंगे तो हमारे पास डेप्रिशिएबल अमाउंट आ गया, और उसको यूजफुल लाइफ पे स्प्रेड कर देंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने 900,000 का एक एसेट खरीदा, 40,000 उसकी स्क्रैप मैंने एज्यूम की और 10 साल उसकी यूजफुल लाइफ है, तो पर एनम डेप्रिसिएशन होगा 80,000 पर एनम। सही है जी। अब हर साल यही एज्यूम करेंगे कि आपका जो डेप्रिसिएशन है वो 86,000 होगा। अच्छा, डेप्रिसिएशन आ गया, सही है जी। अब इसकी अकाउंटिंग एंट्री, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट करेंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हुआ, और एसेट को क्रेडिट नहीं करते हम, नॉर्मली अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का एक अकाउंट खोलते हैं और उसके अंदर हम डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेट करना शुरू कर देते हैं। इसको कहते हैं, ये एक कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट होता, सही है? इसकी नेचर क्या होती है? इसकी नेचर क्या होती है? एसेट को रिड्यूस करने के लिए हमने एक अकाउंट खोला है, तो एसेट की नेचर डेबिट होती है, तो कॉन्ट्रा एसेट की नेचर क्या होती है? क्रेडिट। अभी मैं इसका अकाउंट बनाऊंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कहां रिकॉर्ड करते हैं और कैसे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, अगर हम अल्टरनेटिव मेथड पे जाएं तो हम कहते हैं कि जी जो दूसरा मेथड है वो है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस में जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा वो हर साल डिफरेंट चार्ज किया जाएगा। ईयर वन में डेप्रिसिएशन निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ द एसेट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन, ये परसेंटेज आपको एग्जाम में दी जाएगी, कैलकुलेट नहीं करनी। अब फॉर एग्जाम्पल, हमारा एसेट था 900,000 का और हमने कहा कि हमने रेट डिसाइड किया है 20%, तो हमारा 180,000 का पहले साल का डेप्रिसिएशन आ गया। ठीक है, लेकिन जब हम ईयर टू में पहुंचेंगे तो ईयर टू में अब डेप्रिसिएशन सेम नहीं रहेगा, अब डेप्रिसिएशन लगेगा बुक वैल्यूज के ऊपर, और बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन। अब बुक वैल्यू कैसे निकालेंगे? एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट में से प्रीवियस जितना भी डेप्रिसिएशन होगा वो डिडक्ट किया, तो ये बुक वैल्यू बन गई और रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर क्या आएगा? डेप्रिसिएशन।
कितना होगा 720 का 20% तो 1,44,000 मेरे ख्याल से, सही है जी। अच्छा अब अगर वो ये कहता है कि ये बताएं कि जी बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर क्या होगी, ताकि हम थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन निकालें। तो बुक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब मैं इस एग्जांपल के अंदर कहूंगा कि कॉस्ट कितनी थी 900,000 और प्रीवियस डेप्रिसिएशन कितना था 180 पहले साल का, 144,000 दूसरे साल का, बताओ कितना अमाउंट आएगा। कैलकुलेटर है सर, ये बंदा है 115,200, दोनों माइनस करें 900,000 में से 180,000 माइनस 144,000, गलत आंसर बता रहे, डेप्रिसिएशन नहीं पूछ रहा मैं तुमसे बुक वैल्यू पूछ, तुम डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो उसका डायरेक्ट डेप्रिसिएशन। हाँ हाँ, अब अगर डेप्रिसिएशन निकालना है तो तुम डेप्रिसिएशन किसका निकालोगे, ईयर थ्री का जी, सही है। ईयर थ्री का डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, 576,000 मल्टीप्लाई बाय 20%। अब बताओ ये आ गया थर्ड ईयर का। अब देखो डेप्रिसिएशन कंटिन्यूअसली फॉल हो रहा है जी, पहले साल में ज्यादा है, दूसरे साल में कम, और ग्रेजुअली वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। दिस इज द रीजन व्हाई उसको हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, राइट जी। अब रिड्यूसिंग बैलेंस में एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको कहा जाए कि यार पांचवें साल का डेप्रिसिएशन निकालो, तो आप पहले साल का निकालोगे, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, तब जाके बुक वैल्यू आएगी ना। तो उसका एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, शॉर्टकट ये है कि अगर आपको बुक वैल्यू निकालनी है ना, जैसे यहाँ हमने बुक वैल्यू निकाली सेकेंड ईयर के एंड पर, ठीक है, अब मुझे डायरेक्ट बुक वैल्यू निकालनी है थर्ड ईयर के एंड पर जी। तो मैं देखो क्या करूंगा, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 75%, 25% डेप्रिशिएट हो गया, बाकी कितना बचा, मल्टीप्लाई बाय 75%, दो साल हो गए, मल्टीप्लाई बाय 75%, इसका आंसर निकालो जरा। ये तीन साल के बाद बुक वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मैं इजीली क्या कर सकता हूँ, मैं इसको फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन निकाल सकता हूँ, सही है, राइट। अच्छा सर, 75 जब भी डेप्रिसिएशन माइनस होगा तो रिमेनिंग वैल्यू प्रीवियस की 75% होगी, सही है, सही, ठीक।
तो ये हो गए दो मेथड्स, ठीक है, डेप्रिसिएशन की एंट्री भी हो गई, मेथड्स भी हो गए। अब हम चलते हैं अकाउंट्स कैसे बनते हैं, ठीक है। जब भी डेप्रिसिएशन की बात करेंगे तो हमारे जो लेजर्स बनेंगे वो तीन लेजर्स नॉर्मली बनते हैं। पहला हम एसेट का अकाउंट बनाएंगे, सही, दूसरा हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट बनाएंगे और तीसरा हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाएंगे ताकि उसका टोटल अकाउंट में रिकॉर्ड होता रहे, सही। अब मैं इन अकाउंट्स को बनाऊंगा और उसके लिए मैं एक सवाल इस्तेमाल कर लेता हूं। एबीसी परचेज अ मशीन ऑन 1st January 16 एट अ कॉस्ट ऑफ 5,50,000 estimated residual value is 10,000 useful life is 5 years method of depreciation is straight line calculate depreciation for the year 2016 year end December, right, and prepare necessary accounts. सबसे पहले तो हम डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। सो एज पर स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला लगेगा, कॉस्ट इज 5,50,000, रेजिडुअल वैल्यू एस्टिमेटेड इज 10,000, यूजफुल लाइफ 5 साल, सॉल्व करो। ये आ गया 1,08,000 108,000 पर एनम, सही। अब ये एसेट हमने खरीदा था तो उसकी एंट्री पास होगी, यानी कि डेप्रिसिएशन से पहले एसेट की एंट्री पास होगी। तो एसेट जब भी खरीदते हैं तो एसेट की कॉस्ट से एसेट को डेबिट किया 5,50,000 और कैश क्रेडिट कर दिया, एज्यूमिंग हमने पेमेंट कर दी थी 5,50,000। पहली एंट्री ये पास हो गई। दूसरी एंट्री हमने डेप्रिसिएशन की पास की, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट किया। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना पेपर का, राइट, ओके। और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट कर दिया। सही, अच्छा। अब इसकी अकाउंट्स बनेंगे तो एक अकाउंट हम बनाएंगे एसेट का अकाउंट, एक अकाउंट हम बनाएंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का और एक अकाउंट हम बनाएंगे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। अच्छा जी, देखिए जी से कोई, हाँ कोई भी यूज कर सकते। अब एसेट के अकाउंट में एक ओपनिंग बैलेंस आता है क्योंकि ये पहला साल है तो इसमें कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, लेकिन इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पर आएगा, राइट। अब हमने पहली एंट्री को पोस्ट किया तो मैंने एसेट खरीदा 5,50,000 का अगेंस्ट कैश, ये इसके अकाउंट में डेबिट हो गया। कैश का अकाउंट में नहीं बना रहा, वो कैश के अकाउंट में क्रेडिट हो चुका होगा, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन की एंट्री आई तो मैंने 108,000 को डेप्रिसिएशन के अकाउंट में डेबिट किया, उसके अगेंस्ट में लिख दूंगा अलाउंस, और अलाउंस के कॉलम में मैंने डेप्रिसिएशन से 108,000 क्रेडिट कर दिया। Is it right? अच्छा जी, अब ट्रांजेक्शन डन हो गई, ठीक है। अब जब ट्रांजेक्शन डन हो गई तो अकाउंट्स बैलेंस होते हैं, तो अकाउंट्स में 5,50,000 डेबिट साइड पे आया, 550 यहाँ पर आ गया, तो हमारा कैरेट डाउन बैलेंस कितना हो गया, सही है। एसेट का अकाउंट
लाइबिलिटी का अकाउंट, कैपिटल का अकाउंट में ब्रॉट डाउन और कैरिड डाउन आते हैं, इनकम और एक्सपेंस में ब्रॉट डाउन और कैरिड डाउन नहीं आते, सही है? सो डेप्रिसिएशन का जो भी अमाउंट होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ये क्लोज हो गया अकाउंट। अच्छा, अलाउंस की नेचर क्या है? कॉन्ट्रा एसेट। कॉन्ट्रा इट्स लाइक लाइबिलिटी, सही है? कॉन्ट्रा इज लाइक लाइबिलिटी। तो इसके अकाउंट को मैंने क्लोज किया, तो इसका सीडी बैलेंस यहां बचा। अब सीडी बैलेंस हो तो नेक्स्ट ईयर बीडी बैलेंस होगा, सही है जी। अच्छा, आप बता रहे हैं होता। अब हमें अगर वो हमसे पूछता ये बताएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना एक्सपेंस जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक पार्शल अगर हम बनाएं तो उसके अंदर हमारे पास इस वक्त सिर्फ एक आइटम है शो करने के लिए, दैट इज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, और वो कितना है 108,000। अच्छा, वो हमसे पूछता है कि बताएं बैलेंस शीट में कितना बैलेंस शो होगा एसेट के अगेंस्ट, तो हम बैलेंस शीट में बुक वैल्यू शो करते हैं, और बुक वैल्यू शो करने के लिए हम उसको दिखाएंगे कि एसेट की कॉस्ट कितनी है 5,50,000, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसमें से डिडक्ट करके दिखा देंगे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 108,000। तो बैलेंस निकालना जरा कितना आता है, 442,000 ये बुक वैल्यू है, सही है जी सर। चल अब चलते हैं इसके प्रॉब्लम्स के ऊपर। सर एक चीज और पूछनी थी, ये जो कॉस्ट ऑफ मशीन के सॉरी कॉस्ट ऑफ एसेट कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये मैं बताऊंगा। हां, ये बताता हूं ठीक। अब हम इन चीजों पे आ रहे हैं, ठीक है? अच्छा जी, अगर एसेट हमने पार्ट ऑफ द ईयर एक्वायर किया ड्यूरिंग द ईयर एक्वायर किया, ठीक है, तो अब डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा उसके लिए दो पॉलिसीज इस्तेमाल की जाती हैं। पहली कहलाती है फुल इन द ईयर ऑफ परचेज। हम ये नहीं देखेंगे कि वो कब एक्वायर किया गया, ठीक है, हम पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और दूसरी पॉलिसी कहलाती है प्रोरेटा बेसिस, उसमें हम पार्शियल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे पहले साल, और ये मसला सिर्फ पहले साल का, राइट? ये ध्यान में रखनी है बात, ठीक है। दूसरी चीज आपकी ये है कि कॉस्ट ऑफ एसेट कैसे फाइंड आउट की जाए, तो इसका एक क्राइटेरिया है कि एसेट जब आप खरीदने जाते हैं ना तो उसको परचेज करने की कॉस्ट और उसके अंदर अदर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, such as what is directly attributable cost, asset को working condition में लाने के लिए जितने भी necessary expenditure होंगे, provided that वो क्या होने चाहिए, capital expenditure, वो asset की cost में add हो जाएगी। जैसे एक list में दे रहा हूं तुम्हें, परचेज कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, प्लस होगी ट्रांसपोर्टेशन, अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट मिला तो माइनस हो जाएगा, सही है, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ऐड हो जाएंगे, इंपोर्ट ड्यूटीज, यस, अगर कोई टेस्टिंग कॉस्ट लगी वो ऐड हो जाएगी, ठीक है, कोई एसेट को इंस्टॉल करने के लिए जगह की जरूरत पड़ी वो ऐड हो जाएगी, और इस तरह डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट सारी प्लस होके आ जाएगी, सही। लेकिन कुछ कॉस्ट एसेट की उसमें ऐड नहीं होगी, जैसे ट्रेनिंग कॉस्ट, इसको हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, स्टार्टअप कॉस्ट,
इसको क्या रिकॉर्ड करेंगे, मेंटेनेंस कॉस्ट एक्सपेंस, एबनॉर्मल लॉसेस ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, जैसे वायरिंग कर रहे थे वायरिंग में आग लग गई, एबनॉर्मल लॉस है ना, अचानक से पता लगा, तो वो एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। इसी तरह एसेट का इंश्योरेंस करवाया, ये भी एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, सही है। अच्छा जी, अब एक मसला आता है, चले पहले एक एग्जांपल कर लेते हैं फिर बात करते हैं। एसेट का ब्रॉट डाउन बैलेंस आपके पास रखा हुआ है 4,50,000 और अलाउंस का ब्रॉट डाउन बैलेंस रखा हुआ है 1,20,000, सही है? और ये डेटा दिया हुआ है आपको 1 जनवरी 2016 का। ऑन 1 अप्रैल 2016 एन अदर एसेट परचेस्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 2,50,000 यूजफुल लाइफ इज एक्सपेक्टेड टू बी 5 years. मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन जो कंपनी यूज करती है इज स्ट्रेट लाइन 20% पर एनम। अब स्ट्रेट लाइन में परसेंटेज भी गिवन हो सकती है रिड्यूसिंग की तरफ, सही है। अच्छा, इट इज द पॉलिसी टू चार्ज फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन। यानी कि जिस ईयर में आप एसेट खरीदेंगे उसमें आप फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, सही है। प्रिपेयर की अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2016। अच्छा, टी अकाउंट बनाने के लिए पहले तो हम टी अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं, ठीक है। तो एक हमने एसेट का अकाउंट ओपन करना है, एक हमने डेप्रिसिएशन का अकाउंट ओपन करना है और एक हमने अलाउंस का अकाउंट ओपन करना है। अब इसका ब्रॉट डाउन हमें दिया हुआ है और इसका ब्रॉट डाउन हमें दिया हुआ है, प्लेसेस को समझना है कि ब्रॉट डाउन कहाँ थे, 450 एंड 120, ये ठीक है ब्रॉट डाउन की जगह, सही है। अब इसके बाद हम जो भी ट्रांजेक्शन होगी ना, पहले उसकी एंट्री पास करेंगे और उसके बाद उसका उसको पोस्ट करेंगे टी अकाउंट में। सबसे आसान तरीका यही होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, पहले एंट्री पास करो और अकाउंट बना के उसमें पोस्ट कर दो। तो हमने पहला एसेट खरीदा 2.5 लाख का, ठीक है, तो हमने उसकी एंट्री पास की, मैं यहाँ बना देता हूँ एंट्री, एसेट अकाउंट को डेबिट किया 2.5 लाख से और कैश क्रेडिट कर दिया 2.5 लाख से, तो ये किस अकाउंट में जाएगा, डेबिट साइड के ऊपर, ये हमने पोस्ट कर दिया, ठीक है। अब मुझे डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करनी है। अब प्रॉब्लम ये है, मेरे पास दो एसेट्स है ना, एक तो पुराना ब्रॉट डाउन में रखा हुआ है और दूसरा जो मैंने इस साल एक्वायर किया हुआ था, लेकिन पॉलिसी क्योंकि फुल की है ना और स्ट्रेट लाइन है तो कॉस्ट पे ही लगेगा ना, तो 450 प्लस 250 मिलाकर भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं आसानी के लिए अलग अलग करके दिखाता हूँ कि डेप्रिसिएशन जो हमारा निकलेगा वो क्या होगा। हमने डेप्रिसिएशन की एक्सपेंस की वर्किंग की,
ओल्ड एसेट जो हमारे पास रखे हुए थे 450,000 के, उसके ऊपर भी हम स्ट्रेट लाइन चार्ज कर रहे हैं 90,000, और जो न्यू एसेट हमने एक्वायर किया है 250 का, पचास हजार, ठीक है, तो टोटल कितना हुआ 1,40,000। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि आपके पास प्लांट एंड मशीनरी भी हो, बिल्डिंग्स भी हो, तो एक के लिए स्ट्रेट लाइन, दूसरे के लिए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इस्तेमाल होगा, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, सही है। अब ये 1,40,000 की मैंने एंट्री पास करनी है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 1,40,000 और अलाउंस क्रेडिट 1,40,000। तो ये मैंने उसको पोस्ट कर दिया, डेप्रिसिएशन 1,40,000 से डेबिट हुआ और अलाउंस 1,40,000 से क्रेडिट हो गया अगेंस्ट डेप्रिसिएशन, सही है। एंट्री पोस्ट करने के बाद अब मैं क्लोज करता हूँ अकाउंट्स को, क्लोज करने के लिए इन दोनों को प्लस किया तो ये हो गया, और एसेट के अकाउंट में कैरिड डाउन बैलेंस कितना आ गया, 700,000। तो 700,000 कर लेते हैं, ये 700,000 के एसेट्स आ गए, ठीक है। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन का जो अकाउंट है वो क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है तो वो ट्रांसफर हो जाएगा, इस साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1,40,000 का डेप्रिसिएशन चला गया। अलाउंस के अकाउंट को टोटल करेंगे, ये बैलेंस शीट आइटम है, तो उसमें आ गया 2,60,000। सही है जी। तो अगर मुझे एसेट की बुक वैल्यू चाहिए तो बुक वैल्यू बड़ा आसान तरीका, अगर अकाउंट बना हुआ हो तो ये लो और इसमें से ये माइनस, 700,000 माइनस 260, बुक वैल्यू आ जाएगी हमारी आई थिंक 440, ठीक है। अच्छा, अगर यही सवाल हम ये एज्यूम करते हैं कि इसमें प्रोपोर्शनेट मेथड होता तो डेप्रिसिएशन पे फर्क पड़ता ना, सिर्फ प्रोपोर्शनेट पॉलिसी। तो अब डेप्रिसिएशन, ताकि तुम दोनों एस्पेक्ट समझ जाओ उसके, ठीक है। तो अब ओल्ड एसेट के ऊपर तो पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज होता मल्टीप्लाई बाय 20%, दैट इज 90,000, क्योंकि फुल ईयर है हमारे पास। और जो न्यू एसेट होगा उस न्यू एसेट के ऊपर हम 250,000 मल्टीप्लाई बाय 20% पर एनम, लेकिन हमें उसकी एक्विजिशन की डेट देखनी पड़ेगी, फर्स्ट अप्रैल, तो अप्रैल से दिसंबर काउंट करो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 9 मंथ्स, आंसर निकालो। प्लस कर लो, ये 127,500। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे ना टॉपिक बाय टॉपिक, वो मैं वो गूगल ड्राइव के अंदर ऐड करता जाऊंगा हर टॉपिक के साथ, तो मैं उन्हें प्रैक्टिस करना है। किट तुम्हारे पास है, किट से भी सॉल्व कर सकते हो, वहां से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और एक क्या बीपीपी के भी मुझे अगर किट होगी मेरे पास तो मैं वो भी शेयर कर दूंगा, या मैंने शेयर की हुई है माइंड भी, ताकि तुम्हारे पास एक क्वेश्चन बैंक हो, तुम अपने पीछे से तैयारी करते जाओ, ठीक है। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये एसेट तो हमारे पास चल रहे थे ना, हमने आउट ऑफ मेनी एसेट कोई एसेट बेच दिया, ये सबसे ट्रिकी काम है अकाउंटिंग में, डिस्पोजल ऑफ एसेट की कैलकुलेशन करना।
तो जब हम एक एसेट बेचेंगे नॉन करंट एसेट, तो या तो उसके ऊपर गेन आएगा या क्या आएगा, अब हमें क्या करना है, हमें इसकी कैलकुलेशन भी करनी है, इसकी एंट्रीज भी समझनी है और उसके टी अकाउंट्स में उसकी पोस्टिंग भी करनी है, और ये एग्जाम के लिए हाईली इंपॉर्टेंट एरिया। चलें जी आगे बढ़े जी। गेन और लॉस निकालने के लिए एक तरीका तो ये कि हम एक फॉर्मेट इस्तेमाल करें। पहले मैं वो फॉर्मेट बता देता हूँ। जिस एसेट को हमने बेचना है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट लेंगे और अब तक डिस्पोजल डेट तक उसका जितना भी डेप्रिसिएशन हो चुका है वो डेप्रिसिएशन उसमें से माइनस कर देंगे तो उसकी बुक वैल्यू आ जाएगी डिस्पोजल डेट के ऊपर। याद रहे किस डेट पे डिस्पोजल बुक वैल्यू निकालनी है, डिस्पोजल डेट के ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अपनी तरफ से डेटा इनपुट कर देता हूँ तो आसानी हो जाएगी समझने में। ये एक एसेट था जिसको हमने बेचा आउट ऑफ मेनी एसेट्स और ये अब 640 पर रखा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे सेल प्रोसीड, तो जो हमारा आंसर आएगा वो गेन भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। अब मैंने ये 420 में सेल कर दिया, कितना बचा, लॉस है गेन है, लॉस है, लॉस ऑन डिस्पोजल। इसका मतलब है पॉजिटिव वैल्यू बच गई तो लॉस और अगर नेगेटिव वैल्यू आई तो गेन। जो प्रॉब्लम आएगा ना एग्जाम में, कॉस्ट पता होगी, सेल प्रोसीड पता होगी, वो ये नहीं देगा, वो आपको टाइम फ्रेम बता देगा कि इस एसेट को बेचते में आपको कितने साल बाद बेचा है आपने। तो तुम्हें स्ट्रेट लाइन मेथड से या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से क्या निकालना होगा, उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल के और फिर उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, तब जाके हमें पता लगेगा कि हम उसकी बुक वैल्यू पे बताएगा। जी सर मेथड को बताएगा, हाँ मेथड वगैरह वो सब स्पेसिफाई होंगे। अच्छा अब अगर हम इसकी एंट्रीज के ऊपर जाएं, अज्यूमिंग कि हमें तीनों डेटा मिला हुआ, ठीक है, तो मैं उसकी एंट्रीज पोस्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं एसेट की, जब भी एसेट को सेल करेंगे ना, तो पहली एंट्री हम बनाएंगे डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट करेंगे एसेट की कॉस्ट से और एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ये बताता हूँ डिस्पोजल अकाउंट क्या है, ये एंट्री पास होगी, सही है। इस एंट्री में हमने क्या किया, ट्रांसफर ऑफ एसेट कॉस्ट टू डिस्पोजल अकाउंट, हमेशा, सही है। उसके बाद जो सेकेंड एंट्री पास होगी वो ये पास होगी, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे, वो कितना था 150 और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। हम बेसिकली होता है क्या कर रहे हैं, इलिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज ट्रांसफर ऑफ अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, सही जी। अच्छा दो चीजें हो गई, अब हमें इसकी सेल प्रोसीड रिकॉर्ड करनी है। तो सेल प्रोसीड रिकॉर्ड हम कैसे करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे 420,000 और डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 420,000। ये तीन एंट्रीज बनेगी कम से कम टू रिकॉर्ड सेल प्रोसीड। अब देखो इन अकाउंट्स में एसेट का अकाउंट भी हिट हो रहा है,
अलाउंस का अकाउंट भी हिट हो रहा है, लेकिन डिस्पोजल का अकाउंट 3 मरतबा हिट हो रहा है। सही है। तो अगर मैं एक डिस्पोजल का अकाउंट ओपन कर लूं, तो देखते हैं वहां से क्या निकलता है। तो पहली एंट्री जो मैं डिस्पोजल के अकाउंट में पोस्ट करूंगा वो होगी डिस्पोजल अकाउंट 600,000 से डेबिट अगेंस्ट एसेट। दूसरी एंट्री जो मैं पोस्ट कर रहा हूं डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट 150 अगेंस्ट अलाउंस। तीसरी एंट्री जो मैं पोस्ट कर रहा हूं डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट अगेंस्ट कैश। इंटरनेट में डिस्टॉर्शन आ रही होगी थोड़ी सी, आजकल इंटरनेट जरा ऐसे ही चल रहा है। सही हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, खुद ब खुद ही हो जाती है। सही है, अब ठीक है। हाँ, मैंने कहा ना वो इंटरनेट में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन है, वो खुद ब खुद सही हो जाता है, 2-3 मिनट के लिए करता है मसला। अब बैलेंसिंग फिगर कहाँ बचेगी? क्रेडिट साइड पे बच रही है ना। क्रेडिट साइड पे कितना बैलेंस है? 570 और डेबिट साइड पे कितना है? 600,000। तो ये जो 30,000 है ये आ जाएगा लॉस ऑन डिस्पोजल, जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी डिस्पोजल के अकाउंट में। ये बड़ी अच्छी अप्रोच है, डायरेक्ट हमने जो फॉर्मेट बना के किया था उससे भी आंसर यही आया था 30,000। अच्छा, दोनों क्लियर होने चाहिए अप्रोच, क्योंकि एग्जाम में यू नेवर नो कि वो एमसीक्यूज कहां से बना के दे सकता है। जी सही है जी सर। अब यहां तक कोई सवाल है? यहां तक तो सर ओके स्टार्ट है जी। अब एक मसला आता है कि अगर डिस्पोजल ड्यूरिंग द ईयर हुआ, या ये मसला आता है कि डिस्पोजल वाले ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा या नहीं होगा, तो उसमें देखिए दो पॉलिसीज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पहली पॉलिसी ये होती है जिसको हम कहते हैं प्रोरेटा, और दूसरी होती है नन इन द ईयर ऑफ सेल। इसका मतलब है कि जिस ईयर में हमने बेचा उस ईयर में हमने पार्शियल डेप्रिसिएशन चार्ज करना है जितने महीने यूज किया, और यहां पर जिस ईयर में डेप्रिसिएशन बेचा उस ईयर को इग्नोर कर देंगे। सही है, राइट जी। तो इसका मतलब वो हमारे पास फर्स्ट ईयर की भी पॉलिसी है और हमारे पास लास्ट ईयर की भी पॉलिसी है डिस्पोजल वाले। सही, हमारे पास एसेट का ओपनिंग बैलेंस था 8,50,000 कॉस्ट ऑफ एसेट, और हमारे पास अलाउंस का ओपनिंग बैलेंस रखा हुआ था 1,50,000, और ये जो बैलेंसेस हैं ये हमें दिए हुए हैं 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। ऑन 1 मार्च 2015 a plant is being purchased at a cost of 600,000. On 1st August 2015, an asset having cost of
150,000 was sold at a price of 25,000. The asset was purchased on 1st January 2014. Method of depreciation is straight line 20% per annum. Right? Full year depreciation is to be charged in the year of purchase and none in the year of sale. Kya matlab? First purchasing year mein full charge karenge us. इसका मतलब है जो हमने नया एसेट खरीदा है ना इसके ऊपर तो पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, सॉरी ऊपर वाला, और जो ये हमने एसेट बेचा है ना अगस्त 15 में, तो 15 में उसका कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा. ठीक है, अब हम सबसे पहले ना अपनी अकाउंट्स ओपन करते और फिर उसकी एंट्रीज बनाते. तो हमने सबसे पहले जो अकाउंट ओपन किया वो हमने एसेट का अकाउंट ओपन किया, साथ उसके अलाउंस का अकाउंट ओपन किया. अच्छा, दो सब्सिक्वेंट अकाउंट बनेंगे इस साल के डेप्रिसिएशन के, और एक अकाउंट क्योंकि हमने एसेट बेचा है ना, तो एक अकाउंट किसका बनेगा? डिस्पोजल का अकाउंट बनेगा. ठीक है, अब ब्रॉड डाउन तो इस वक्त मेरे पास सिर्फ दो अकाउंट के है ना, वो ब्रॉड डाउन में यहाँ पे इस्तेमाल कर लेता हूँ. 850 और 150, 850 और 150. ठीक है, अच्छा इस ब्रॉड डाउन में बहुत सारे एसेट्स है, राइट. अब सबसे पहले हम पहली ट्रांजेक्शन पे चलते हैं. हमने एक एसेट खरीदा है 6 लाख का, तो इसको बुक कर लेते हैं. एसेट अकाउंट डेबिट 600,000 एंड कैश क्रेडिट 600,000. सही है, उसके बाद हमने एक एसेट सेल कर दिया. अब सेल करने की मैंने 3 एडजस्टमेंट बताई थी, तो जो एसेट हमने सेल किया उसकी कॉस्ट 150 और वो हमने 25,000 में बेचा, इसका डेप्रिसिएशन तो नहीं पता हमें, वो हमें निकालना पड़ेगा, राइट. वो हम निकालते, सबसे पहले हम उस एसेट की 3 एंट्रीज नोट कर लेते. पहली एंट्री पास करेंगे हम डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट करेंगे और एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे. तीसरी एंट्री क्या पास होगी? अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे और डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे. और तीसरी सब्सिक्वेंट एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे और डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे सेल प्रोसीड रिकॉर्ड करने के. अब मुझे अमाउंट चाहिए, तो जो एसेट सेल किया था वो था, उसकी कॉस्ट थी 150, तो यहां मैं 150 डाल दूं. और जो बेचा था उसकी प्राइस थी 25,000. अब मुझे नहीं पता कि जो एसेट मैंने बेचा है उसका टोटल डेप्रिसिएशन डिस्पोजल तक कितना हुआ, तो मैं दोबारा ऊपर चलता हूँ. ये एसेट खरीदा कब था? बेचा कब है? इसका मतलब है 2014 का पूरे 12 महीने चार्ज होंगे. What about 15? Nil. इसका मतलब है 1 साल का डेप्रिसिएशन. मेथड क्या है? 20% स्ट्रेट लाइन. तो अब हम इसकी वर्किंग कर लेते हैं.
तो इसकी वर्किंग में हमारे पास हो जाएगा एसेट की कॉस्ट 250 है ना, 150 150, तो 150 मल्टीप्लाई बाय 20% 1 साल का डेप्रिसिएशन। ये उस एसेट का डेप्रिसिएशन है जो हमने बेच दिया है, सही है। तो ये हमें इलिमिनेट करना होगा, सही है। जी अब अकाउंट में पोस्टिंग शुरू करते हैं। ये चारों एंट्रीज जो हमने बनाई है इनकी पोस्टिंग होगी। एसेट अकाउंट डेबिट 600,000, डेबिट साइड पर आ गया, पहली एंट्री पोस्ट हो गई। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट 150, एंड एसेट अकाउंट क्रेडिट 150, ठीक है। अच्छा, दूसरी एंट्री इसके बाद है अलाउंस डेबिट 30,000, डिस्पोजल क्रेडिट 30,000। तो डिस्पोजल को क्रेडिट किया 30,000 से अगेंस्ट अलाउंस, और अलाउंस अकाउंट डेबिट किया अगेंस्ट डिस्पोजल। जहां जहां ये डिस्पोजल आ रहा है ना, इसका मतलब ऑटोमेटिक मतलब ये सेल से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। और तीसरी एंट्री पास की कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट 25,000। तो डिस्पोजल अकाउंट में 25,000 से हमने ये क्रेडिट कर, सारी ट्रांजेक्शन पोस्ट होगी। डिस्पोजल अकाउंट को टोटल करते हैं कितना गेन और लॉस आया। डिफरेंस निकालो क्रेडिट साइड पे, 95,000 का लॉस, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। अच्छा, अब मैं एसेट के अकाउंट को क्लोज कर सकता हूँ, अलाउंस के अकाउंट को क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि रिमेनिंग एसेट पर 1 साल का डेप्रिसिएशन अभी बाकी है। तो सबसे पहले मैं एसेट के अकाउंट को क्लोज करता हूँ। जब मैं एसेट के अकाउंट को क्लोज करने गया तो यहां पर 1450 आ गया, और यहां पर कितना आएगा, माइनस 150 करेगा तो करोगे तो कितना, 13। ये एसेट का कैरी डाउन। अच्छा, अब सवाल ये है कि हम जो डेप्रिसिएशन लगाएं वो कैरी डाउन पे लगा दें, इसमें से डिस्पोजल तो निकल गया ना। देखो, जब पॉलिसी फुल इन द एयर ऑफ एक्विजिशन है ना, तो इसका मतलब है कि ये एसेट और ये एसेट ये एक ही हो गए, हालांकि डिफरेंट टाइम्स के ऊपर है, सही है। और डिस्पोजल वाला जो एसेट है ये वाला, इसको डेप्रिशिएट करना नहीं है, तो इन दोनों को प्लस करके ये माइनस हुआ, तो रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा, इसका मतलब है 1300 पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकता हूँ, सही है। तो मैंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर निकाला 1300000 मल्टीप्लाई बाय 20%, तो ये आ गया 260,000। इसकी एंट्री क्या पास होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को हम डेबिट कर देंगे 260,000 से, और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर देंगे 260,000। आइए अब इसको पोस्ट कर देते हैं डेप्रिसिएशन को। तो डेप्रिसिएशन का अकाउंट 260,000 से डेबिट हुआ अगेंस्ट अलाउंस, और अलाउंस का अकाउंट 260,000 से क्रेडिट हो गया अगेंस्ट डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन को पीएनएल में ट्रांसफर कर दूं और अलाउंस का टोटल निकालते हैं, तो ये हो गया आपका 410,000, 410,000, और इसमें से 30,000 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 380,000 का सीडी बैलेंस। हो गया डन सब कुछ,
एसेट के अकाउंट का सीडी बैलेंस आ गया, अलाउंस का सीडी बैलेंस आ गया, डेप्रिसिएशन में कोई सीडी बैलेंस नहीं है और डिस्पोजल का अकाउंट क्लोज हो गया, सही है? ये एग्जांपल एक दो मरतबा प्रैक्टिस करोगे ना तब हाथ साफ होगा। अब अगर मुझे पीएनएल एक्सट्रैक्ट पूछा जाए कि ये बताएं इस साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा, तो एक तो डेप्रिसिएशन आएगा 260,000, ठीक है, और दूसरा आएगा लॉस ऑन डिस्पोजल, वो कितना है? 95,000। वो था हमारा 95,000। ये दोनों प्लस हो जाएंगे, दोनों एक्सपेंस है, तो टोटल बैलेंस कितना हुआ? 355,000 नेट एक्सपेंस। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं, ये तो बहुत आसान है। एसेट के अकाउंट का एंडिंग बैलेंस और अलाउंस के अकाउंट का एंडिंग बैलेंस, तो एसेट के अकाउंट का एंडिंग बैलेंस कितना था? 13,00,000। और अलाउंस का कितना था एंडिंग? माइनस कर दो 9,20,000। ये बैलेंस शीट में शो होगा, इसको कैरिंग अमाउंट भी कहते हैं और इसको रिटन डाउन अलाउंस भी कहते हैं, अमाउंट भी कहते हैं। कुछ जगहों पर इसको नेट बुक वैल्यू भी कहते हैं। तो एग्जाम में कोई भी वर्डिंग आ सकती है, सही है? अच्छा, ये जो अभी वाली एग्जाम्पल है ना, इस एग्जाम्पल में अगर हम ये एज्यूम कर लेंगे प्रोपोर्शनल डेप्रिसिएशन होगा डिस्पोजल के ईयर में, तो इस एग्जाम्पल में काफी चेंज आ जाएगा। फिर हम जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो 1,300 का 20% नहीं लेंगे, बल्कि 850 पे अलग डेप्रिसिएशन होगा, 600,000 पे अलग डेप्रिसिएशन होगा, 150 पे अलग डेप्रिसिएशन होगा, सही है? चलो इसको मैं अभी